Assalamualaikum everyone, आप लोगों का वेलकम है यासीन शेख ब्लॉग में। आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। गाइस मेरे आप सब खैरियत से होंगे और यहाँ पर देखिए सालेहा तल रहे हैं रोटी, हमारी चाय बन के रेडी हो गई। गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर हमारी चाय बन गई है और यहाँ पर सालेहा रोटी तल के हो गया है। सालेहा बोलते किचन में दिखा क्योंकि अभी थोड़ा किचन पे गहन है इस वजह से। और हमारे अरहान बाबू देखो काम बढ़ा रहे भाई। ओ बादशाह बादशाह भाई, क्या है क्या है भाई भाई तुम्हारा क्या है सुबह सुबह भाई? हाँ भाई मम्मा का काजल देखो आज अरहान को ना गाइस बस सुबह सुबह लेके गया बाहर घुमाने के लिए। माशाल्लाह इतना खुश हो गया मेरा बच्चा। चलो हाँ, और हमारी फातिमा जी तो सो रही हैं। हाँ फातिमा उठे नहीं तुम्हें बितलक बेटा? हाँ अच्छी नींदारी गद्दे पे। और आज के ब्लॉग का सीन ऐसा है, हम लोग को जाने का है 11वीं की न्यास में, हमारे बर्तन वाली बड़े अम्मी के वहां पर, तो वो हम लोग जाएंगे रात में 8 बजे, मतलब 7 बजे काम की छुट्टी होती है, तो आएंगे नहा धो के फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद 8 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम लोगों को शाम में वहां जाने का, तो इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे वहां पर, तो मैं आप लोगों को भी लेके चलूंगा साथ में, ठीक है। तो हमारा नाश्ता रेडी हो गया, हम लोग बैठेंगे अभी नाश्ता करने के लिए। और काम का सीन ये है कि जहां पर हम लोग कल काम कर रहे थे वहां पर जो मिस्त्री लोग ने अतला काम छोड़ के चले गए थे ना, तो हम लोग कलर का काम तो हो गया वहां पर, सिर्फ ग्रिल और सीढ़ी मारने की है, तो अभी उसकी लाइन बनी नहीं है, तो वहां पर नहीं आज हम लोग को दूसरे साइड पे जाने का है। तो दूसरे साइड पे कहाँ है मैं आप लोगों को वहां पे भी लेके चलता हूँ, सब जगह आप लोगों को लेके चलूंगा जहां जहां मैं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे नहीं लेके जा सकता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल गया हमारा नाश्ता भाई, ऐसे लग रहा ना अरहान ना वो गिरा के ही छोड़ेगा। देखो ये देखो देखे गिरा के छोड़ो, गिरा के ही मानेगा। चलो देख लो फातिमा अब बेटा नाश्ता करने आ जाओ अमित जान। तो गाइस हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ करके हो गया और ये देखिए मैंने अपना हुलिया भी चेंज कर लिया भाई, काम पे जाने गए, डेली काम करने गए। और सलाम अलैकुम, सलाम कर दो, सलाम अलैकुम, कैसे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहितवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चले भाई यहाँ से चलते हैं हम वसीम भाई के घर पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या बोलते उस्ताद, हो गई मॉर्निंग? चलिए चलते हैं काम के लिए रेडी। तो हमारे बस सोचा कि वसीम भाई नहीं उठे यहाँ पर, लेकिन देखो माशाल्लाह उठ के बैठे, तैयार भी हो गए हैं काम पे जाने के लिए। और क्या बोलते हैं अभी भाई, आज तुम जल्दी उठ गए, और जल्दी उठ के ये क्या खाने लगे सुबह सुबह? हाँ अरे नखरे, इसके नखरे देख, ये भी अभी बिस्तर पे लोट ही रहा है। आ गए होश में? हाँ होश में आ गए तुम, पानी दे रहा है अभी, पानी दे, वेफर लग गया, अच्छी वेफर लग गया। मुंह साफ करो पहले, मुंह साफ करो, मुंह साफ करो पहले, मुंह साफ करो, मुंह साफ करो, साफ करो ये और देखा पानी भर रहे क्या? भरो 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 जल्दी भरो, फटफट एकदम। इसको देखो सुबह हुई नहीं तो मोबाइल चालू एकदम, फोन सुबह उठने की दुआ बोला अल्हम्दुलिल्लाह लजी आहयाना बादमा, वो तो हिला कम से कम पता तो चलेगा सामने वाले को कि पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। बाद में अमाता ना वही है मिक्स छोड़ा बदक का बच्चा कैसे रहता है, मुंह गुनगुना रहा है सिर्फ मुंह के अंदर। नाश्ता वाश्ता करके हो गया, पानी भी भरेगा, इसमें को ऐसी कॉन्फिडेंस है, कैसी कॉन्फिडेंस रस्ते मेरे बना सकते? अच्छा बहुत सारा नहीं भाई, देखो अभी माशाल्लाह आप लोग हम लोग से जुड़ रहे हैं तो हम आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो, चाहे पब्लिक रहे चाहे कोई भी रहे, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना पड़ेगा ना भाई। तो मेरा मैं भी थोड़ा कभी कभार डर जाता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता है आपका भाई। वसीम के वसीम की पढ़े, वसीम की पढ़े आती है एकदम आना पे ढके ये बना का भाई सवाना बोलते हैं बस ढका ढकी और उसी ढका मैं खुद भी बनाने का। सबसे ज्यादा आपने तो कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा चैनल है मेरे नाम का है तो इसलिए सबसे ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है। हाँ ज्यादा पब्लिक पसंद करेंगे इसके लिए सवालों को ज्यादा, ऐसा है क्या? अरे क्या बात है, अब्बा यहीं पर है, गुलाम भाई नहीं है, काम ही हम लोग पूरा फाइनल हो गया, जमीन में साफ साफ। अच्छा इधर ही मारा था क्या? ओ भाई हमारे गुलाम भाई भी आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम। गुलाम भाई आज छुट्टी पे है, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आज? छुट्टी दे दिए तो क्या करूँ, छुट्टी दे दिए ना, वही अब्बा को मैंने बोला सुबह में, बोला बुला रहा, बोलते कहाँ पे दादर जाने का ना, सीएनसी जाने का, तो फिर तुम्हारे को यहाँ से 6 बजे निकलना पड़ेगा, 8 बजे की ट्रेन है। तो गाइस हम लोग हमारे गुलाम भाई जा रहे हैं 3 दिन के लिए गांव। ये देखो भाई हमारे वसीम भाई चला रहे हैं साइकिल और हम लोग अभी पहुंच गए हैं कैर हॉस्पिटल के पास, बस यहीं आ गए हमारा काम है। ये देखो भाई कितना गुस्से से देख रही है वसीम भाई, रुको यार इधर से माल लेने का,
ये हमने ले लिया है माल। हाँ पारस बिल्डिंग में काम है भाई, किया हो मैंने पारस किया हो काम किया हो, मेरे को याद है पारस में नहीं। अरे वहाँ जहाँ पे भी रहे मैंने इधर पे काम किया, लेकिन मेरे को याद है। हाँ याद है मुझे, वसीम भाई सही बोल रहे थे। मैंने बड़े बड़े दो बराबर अच्छा चिपकली मार रहे थे, पकड़ा था। ओहो हो क्या बात है भाई, अब्बा चिपकली मारने लगे थे भाई। तो देखो ये वाली बिल्डिंग है, चलो यहाँ से एंट्री मारो अंदर, चलो अपने आर1 पे घुसाओ अंदर। अरे यहीं जाने का, चलो क्लासिक है वो, खड़े में लिखते ना तो नाम समझ में नहीं आते, थोड़ा आड़े में लिखना चाहिए ना, मजा आएगी। यहाँ पे काम किया हुआ है 5 नंबर पे ना 205 हाँ डबल माले साइड में लगाते हैं। चेक करो भाई बिल्डिंग, यहाँ पार्किंग पे हमारी गाड़ी खड़ी हो गई। ये देखो भाई कितनी पुरानी गाड़ी रखी है यार, रख रख के सड़ा रहे यार, काश वसीम भाई को दे डालते बेचारा वसीम। हाँ वहाँ पे बिल्डिंग का काम चलेगा। हाँ वसीम ये गाड़ी अगर तेरे को दे देंगे तो बना के चलाएगा। अबे पैसे की बात नहीं मतलब दे देंगे ऐसे तो बना के चलाएगा ना। 500 रुपये में इसका टायर भी नहीं आएगा, 500 रुपये में गाड़ी चाहिए उसको। लिफ्ट से जाएंगे हम, नवाबी कारीगर हम, लिफ्ट से जाएंगे। तो आ गई है हमारी लिफ्ट, चलो भाई अंदर एंट्री मारो। क्या बात है लिफ्ट बोलते माशाल्लाह, वो तो बहुत प्यारी है। ये झटके मार मार के रुक रही है। ओहो यहाँ पर अपना टेबल वेबल रखा हुआ है और एकदम भरा भर हुआ है यार। तो चलो भाई माल भी लेके जा रहे हैं इन लोग अंदर, और लोगों ने सारा माल भरे रूम में काम करना है, बहुत सारा माल पता नहीं अंदर वीडियो बनाने मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन चाहिए बाद में मिलते हैं आपको। काम करो दरवाजे लड़ेगा तो नहीं लड़ेगा नहीं ना। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अंदर, और यहाँ पर देखिए सब सामान वगैरह हटा रहे हैं, और ये जो कबाट है बहुत ज्यादा ही वजन है, इसलिए खसक नहीं जाएगा, धक्का इसको अच्छे से जाओ भी धक्का दे। देखो वो तो नहीं लग रहा ना बाजू में से धक्का मार, बस अभी है कि आज भी धक्का मार सकते हैं, पीछे देखे नल है तोड़ जाएगा। फाइनली बड़ी मुश्किल से जो पीछे कबाड़ दिख रहा था लकड़ी वाला, तो वो हटा दिया हम लोग ने, और इसको ना जो पलंग दिख रहा है तो इसको यहाँ पे खसका के अपन आराम से कार कर सकते हैं। ये नहीं भाई सोने सोना तो काम नहीं आएगा फिर। और वो देखो दो कबाड़ और रखा वहाँ पे, लेकिन उसकी टेंशन नहीं है, वो हल्का है, तो उसको अपन आगे खसका के पीछे काम कर सकते हैं। तो ये बेडरूम है, तो बेडरूम कुछ इस तरीके से है, आप लोग पहले देख लीजिए, फिर इंशाल्लाह कलर मारने के बाद आप लोगों को दिखा नहीं मारना है पूरा सेम है। हाँ तो फिर दिखेगा नहीं, फिर भी एडजस्ट कर लेंगे आप लोग बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वसीम भाई भराई करना शुरू हो गए हैं, तो गाइज यहाँ पर मैं सीलिंग मारना शुरू कर दिया। तो देखिए भाई मेरा डबल हाथ पूरा सीलिंग मार के हो गया, और अब्बा यहाँ पर वेल्डिंग मार रहे हैं, और वसीम भाई ने पूरे एक हाथ दीवार मार दिए, और अभी हो गया हमारा खाना खाने का। चलिए चलते हैं घर पे खाना खा के आते हैं। चले जाना अबे चला सीढ़ी से लिफ्ट दबा रहा, दो माले के लिए लिफ्ट दबा रहा है ये देखो। मजा आता है सीढ़ी पे चलने, बस पैर फिसल गए पकला एक बार उड़े दो। हाँ भाई ये देखिए गाइस क्या प्यारी बिल्डिंग लग रही है, इतनी मस्त बन गई है माशाल्लाह। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे यहाँ आते थे ना, तो सिर्फ एक एक माला बना हुआ था, और यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं ना, बैठ के सब पीते पीते थे खाते पीते थे, और अब देखो ये बिल्डिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और ये देखिए भाई हमारे वहाँ फिर से मेला लग गया है माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें और रात के टाइम क्या चमकता है, जैसे कि औरंगाबाद में आप लोग ने देखे थे मैं ब्लॉग बनाया था मेले का, तो वैसे ही इस बार लाइट लगाए हैं मेले के अंदर, एक नंबर रात में चमकती है। अगर कभी आना हुआ तो आप लोगों को शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हो शालो? अरे माशाल्लाह मेरी बेटी क्या कर रही है? बेटा क्या कर रहे हो तुम? अरे वाह लिखाई पढ़ाई कर रहे हो, चलो चलो लिखो फातिमा लिख दो। तो चले भाई हमारा खाना ना खा के हो गया, बेटा मैं जा रहा हूँ वहाँ काम पे, ठीक है शाम में मिलूंगा। हाँ आपसे शाम में मुलाकात होगी, ठीक है चलो। और मेरे बच्चे चलो मैं जा रहा हूँ काम पे, आप चलो चलो अल्लाह हाफिज़, शाम में मिलते हैं। तो क्या बोलते हैं वसीम भाई खाना ना खा लिए? हम लोग ने खाना ना खा लिए, और अब चलते हैं वापस काम पे। क्या खाया तुमने आज खाने में? सोयाबीन का सालन। माशाल्लाह माशाल्लाह सोयाबीन मेरा फेवरेट, और मैंने खिचड़ी और टमाटर की चटनी खाया। तो चले भाई खाती की ताकत मिल गई एकदम अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पेट भरा हुआ, तो खाती की ताकत मिल गई है, अब जाते हैं फिर से वहाँ पर काम कंटिन्यू कर। तो भाई हम आ चुके थे साइड पे, और डबल हाथ मारना, हाँ डबल हाथ मारना शुरू कर दिए गाइस यहाँ। तो फाइनली गाइस हमारे यहाँ पे डबल हाथ मार के पूरा हो गया है, और कम्प्लीट हो गया, सब सामान भी हम लोग ने सेट कर दिए। ये देखो पलंग भी इधर पे लगा दिए, बस इतना सारा सामान वो क्या बोलते अपना उस पर रखा था ना गैलरी में, तो इसलिए निकला है यहाँ पे, बाकी पूरा हो गया।
तो फाइनली गाइस हम लोग ना वापस जो लेके गए थे ना सुबह में वो लगा रहे हैं अपनी जगह पे। दो धक्का, एक नंबर भाई। तो गाइस हमारे काम की छुट्टी हो गई और हम लोग जा रहे हैं अभी घर पे। क्या हुआ कुछ 400-500 नहीं भाई, एकदम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया हमने। 500 रुपया, पूरा 500 रुपया। अब्बा को देखो मत बीड़ी फूकते फूकते जा रहे हैं घर। तो फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ घर पे और चलिए फटाफट नहा धो के फ्रेश होकर आप लोगों से मिलता हूँ। और देखो फातिमा तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, दोपहर में भी पढ़ाई कर रहे थे। कितना लिखोगे, क्या बनना चाहते हो तुम? हाँ फातिमा क्या बनना चाहते हो बेटा? अरे माँ कसम डॉक्टर ही बनेगी, डॉक्टर वाली पढ़ाई, डॉक्टर वाली लैंग्वेज है इसकी। ऐसे चिढ़ा दो, चिढ़ा दो ऐसा। अब्बा 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 भाई अभी बज गए हैं। बहुत बहुत खतरनाक बता। तो भाई फाइनली बज गए हैं रात के 7। दिन छोटा है रात बड़ी है तो इसलिए जल्दी अंधेरा हो जाता है। आधे घंटे में हम लोग बच्चे लोगों को तैयार करेंगे, फटाफट निकलेंगे और जो मैंने 5 नंबर से उस दिन दोनों बच्चों के लिए कपड़ा लेकर आया था तो वो कपड़ा पहना के लेंगे। फातिमा नया कपड़ा पहनेंगे ना? हाँ नया कपड़ा पहनेंगे ना, वाला जो अब्बू ने लेकर आए थे। हाँ बेटी पहनेंगे ना? ओहो माशाल्लाह कितने प्यारे लगेंगे उसमें तो पता। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए फातिमा ने पहन लिए नए वाले कपड़े। बेटा लाओ तो, वो तो फेंक था। फातिमा को देखो। और अरहान भाई बच गए, अभी तुम बच गए, बस मेरी नजर पड़ गई तुम्हारे ऊपर, ठीक है। और ये देखिए भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करें, ये अरहान के ऊपर भी कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, क्या बात है मेरा बच्चा। इधर देखो, इधर देखो हेलो, ये क्या बात है। बस ये ना ये टोपा जो पीछे है वो नहीं आ रहा उसके सर पे, क्योंकि ये ऊपर का क्या बोलते हैं अपना थोड़ा सी छोटा पड़ गया है, लेकिन फिर भी हमने इसको खींच टान के पहना दिए, माशाल्लाह आ गया है इसको बहुत अच्छे से। तो बस 8 बज गए हैं, मैं 7:30 बजे का बोला था लेकिन 8 बज गए हैं। थोड़ा झाड़ू मार रहे हैं, फटाफट झाड़ू मार के हो जाएगा तो हम लोग निकलते हैं। हम लोग रेडी हो गए हैं। लाइट चालू रखता हूँ क्योंकि रात में पता नहीं कब आना होगा, इसलिए बाहर की लाइट चालू रखी तो आराम से ओपन चढ़ जाएंगे ऊपर। तो गाइस देखिए यहाँ पर ना कल क्या हुआ था पता है? ये देखो जो ये लोग सब लोग खड़े हैं यहाँ पर ना बच्चे लोग कल बम फोड़ रहे थे और दो छोटे छोटे बच्चे समझ लो 8-9 साल के भाग भाग के आ रहे थे तो एक दूसरे से टकरा गए। भाई क्या हुआ था उसके साथ कल बच्चा लोग के साथ जो अरे बम फोड़े ना इधर? हाँ हाँ, तो धुआं निकलता है ना। हाँ। तो आपस में एक यहाँ से भाग गया, एक यहाँ से भाग गया, दोनों आपस में टकरा गए और तड़प रहे नीचे सो के, सर फट गया उसका। हाँ, एक का दांत लगा ना। हाँ, हाँ। सामना जो टकरा है ना। हाँ। उसके दो दांत उसके इधर घुस गए। बाप रे बाप, दोनों टकरा रहे। हाँ। मैं बोला इसकी मौत की क्या हो गया, एक को उठा है तो जिसके ऊपर दांत लगा ना उसको खून निकला, खाली जिसका सर पे लगा ना उसको खून निकला। हम लोग ने दूसरे लोग को देखे नहीं, उसको लेके भागे तो दूसरा लेके मुझसे खून गिर रहा। मेरे को लगा वो सर पे लगा रहेगा उसका खून रहेगा, वो उठाए लेके भागे तो मालूम पड़ा कि दो एक का जबड़ा फटा, दो दांत टूटा, इसको 8 टांके। ये भाई साहब को देखो यार, गोदी में ना अच्छे से टिक नहीं रहे हैं, इनको आगे बढ़ने का, आगे जाने का बेटा। हाँ अबू की गोदी में नहीं रहने का तुमको। और यहाँ देखो साले यहाँ फातिमा को लेके चल रहे हैं, चलो अभी तो और मज़ा आने वाली है तुमको, आगे चलते रहो। पटाखे फोड़ रहे साले यहाँ बम से, इतना डरते बम से। तो देखिए भाई बच्चे चेंज हो चुके हैं, फातिमा को मैंने ले लिया और सालिहा ने अरहान को ले लिया। तो हम लोग 8 नंबर पे पहुंच गए और यहाँ पे ट्रैफिक देखें भाई एकदम भर भर के। यहाँ से चले, यहाँ से आ जाओ। हाँ चलो यहाँ से कट कर मार, ट्रैफिक देखो भाई एकदम भर भर के ट्रैफिक। चलो मैं हूँ तुम्हारे पीछे, रुक जाओ बाइक में, यहाँ से चलो, रुक जाओ भाई, रुक जाओ जाने दो, देखे ट्रैफिक देखे, चलो यहाँ से। बाप रे बाप, 8 नंबर पे ट्रैफिक जाम है बस लोग की वजह से, क्योंकि बसें खड़े हो जाती है फिर सब पूरा जगह क्या बोलते अपना घेर के रखती है। चलो ये देखो अभी सिर्फ 8 नंबर पहुँचे हैं और सौलिया क्या बोल रहे हैं कि आ गया क्या बड़ी अम्मी का घर। बोला अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हो, आधा रास्ता पूरा बाकी है भाई। एक मिनट हम लोग को जाना, फिर खोल लेंगे। अरे नहीं फूट रहा, चलो ये डर बम से डर रहे, चलो अरे कुछ नहीं बोल, बस हो गया ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, नहीं डरने का, चलो दीवानी। हाँ चलो कुछ नहीं फूट रहा है, बस हो गया। अरे नहीं फूट रहा है पट्टू, चलो पट्टू। रात में 11:30 बज जाएंगे ना, अपन कोई भी नहीं रहे। तो फाइनली हम लोग गली में पहुंच गए हैं और बच्चे लोग भी नज़र आ गए सामने से। चलो तो देखो सब तौहीद, सब बच्चे लोग खेल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तौहीद, कैसे हो छोटे बादशाह? अरे हमारा शरारती छोकरा कैसा है? सलाम करो पहले। वालेकुम अस्सलाम, चलो तुम अंदर चलो। सलाम वालेकुम, क्या बात है भाई, सब अंदर झुंड जमा हुआ है, चलो चल बेटा अंदर चल तब आराम। तो चलो सॉलिह अंदर एंट्री मार रहे हैं, आदमी लोग ऊपर है क्या?
कोई भी नहीं ऊपर, तो जाके कंपनी देता हूँ मैं तुम्हारा अब्बा को यार। अभी कोई भी नहीं आया। हाँ है ना, और कैसे हो, सलाम कर दो सब लोग। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ के अच्छे लोग, ये कैमरा है, चलो ऊपर चलेंगे आप। चलो भटको मत बाहर, बम फूट रहे हैं ना वरना जल जाएंगे तुम लोग, ठीक है। और अरहान बाबू आ गए। हाँ अरहान बाबू कहाँ है अपन बताओ, तुम नानी के घर पे आए ना। चलो हम लोग ऊपर बैठते, ठीक है। चलो इसको लेके जा रहा हूँ मैं, या फातिमा को दे रहे, इसको अभी भूख ही लगी तो फिर। तो चले गाइस अपन चलते हैं ऊपर। अल्लाह अकबर, आओ। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे जुनैद भाई बैठे हैं यहाँ पर, माशाल्लाह खैरियत से भाई, क्या बात है यार। लेकिन कल बोला था ना गाइस हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो जुनैद भाई पूरी फैमिली आए थे, लेकिन मेरा ब्लॉग एंड हो गया था इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। लेकिन हमारे दूल्हे राजा यहाँ पर बैठे हैं अभी। और भाई सब मजे में, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। नहीं कुछ तकलीफ नहीं हुई, मुझे लगा कि मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया अभी तक। नहीं सबसे पहले तुम ही आए हो। हाँ क्या बात है, माशाल्लाह पहले एंट्री मेरी हो गई। चलो बैठते हैं अपन। हाँ बैठो, चलो हम जा रहे हैं। बच्चे लोग भाग गए नीचे। अरे क्या बोलते हैं, क्या मंतशा इधर आओ जरा, इधर 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 माशाल्लाह। ये बहुत आ रहा है मेरे ब्लॉग में। वालेकुम अस्सलाम। इसका इसका नाम, इसका नाम पूछेंगे गाइस अपन, इसका नाम पूछेंगे। इधर बेटा लाइट एक ही है क्या, क्या नाम है आपका? सुभान। हाँ सुभान, सुजान, सुभान। ओ भाई अली अकबर भाई, देखो क्यों रो रहे बेटा, क्या हो गया? अरे क्या हो गया, देखो देखो तुम्हारे जैसे पापा एकदम यहाँ पर, देखो कैसा खेल रहा है। अली अकबर भाई इधर 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 आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। देखो पापा, देखो पापा, देखो इसको चलता है नहीं चलता है, लाओ ना बाजू में लेकर आओ ना इसको। देखो आरान पापा कैसे खेल रहे हैं, खेलो आरान पापा के साथ खेलो। देखो आरान पापा, देखे ना आरान पापा को। अरे माँ का सब, अम्मी क्या हुआ इसको, अम्मी की याद आ रही है। गाइस मैं बैठ गया खाना खाने के लिए, और सीन ये है कि बॉयज ऊपर लेडीज सब नीचे, तो सोलेहा नीचे है और अरहान मेरे पास है, बस रोना नहीं चाहिए वरना फिर मुझे जाके देना पड़ेगा सोलेहा को, और फिर फातिमा को ऊपर लाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए सब बच्चे लोग खेल रहे हैं और मैं बैठा अभी खाना खाने के लिए। जो मैं सोच रहा था वही हुआ, जाने तो देकर आ जाता, और फातिमा को लेकर आता हूँ, तो मैं फातिमा को ले लिया हूँ। बस बच्चा रोना नहीं है, इधर बच्चे लोग के साथ खेलना, ठीक है खेलेंगे ना। अरे सब चिल्लर पार्टी यहाँ पर बैठे, ये इसको इसको ये छोटी दुल्हन को कैसे छुप रही है देखिए। और कैसे हो मैरिन, खाना खा लिए? हाँ। चलो आ जाओ बैठ जाओ साथ में। अरे मुंह तो दिखाओ, सब देखे तुमको पिछले ब्लॉग में मेरे। ये बच्चे लोग ना गाइस, इसलिए लोगों को ब्लॉग में ले रहा हूँ मैं। देखो ये देखो ये मैरिन को दिख गई। तो खाना निकल गया, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अरे वहाँ मेरी 47। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना खा के हो गया। और भाई अरहान बाबू इतना रो रहे थे तो उनको लेकर मैंने बाहर खड़ा, और फातिमा मम्मा के पास है वो खाना खा रहे हैं। और हमारे मजीद भाई आ गए, क्या बोलते हैं मजीद भाई, खैरियत? माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनकी देखो प्यारी सी बेटी है, कैसे हो बाबू? हाँ कैसे हो, ये भी सता रही ना बहुत, बहुत सताती, बहुत सताते गंदे बच्चे, इतना भीड़ भाड़ देख के ना इसलिए बच्चे घबरा जा रहे हैं। आ गई खाली मैरिन, कब का आ गई, दिखा दिया था जरूर। तो धान सो गया है, फातिमा फातिमा देखो ये जो सामने बंदा बैठा है ना, इससे इतना डर रही है, देखते साथ ही उछल कूद करने लग गई। ये माता तो फातिमा के करीब माता डर रही हो। यहाँ पर देखो अरहान बाबू और यहाँ पे अली अकबर बाबू सो रहे हैं, और इसको देखो आयत बाबू कहो बेटा क्या हुआ, और फातिमा को मैंने यहाँ पर कार्टून लाइन दे दिया।
तो गाइस अभी बज गए हैं, बजने वाले हैं 11। और देखिए माशाल्लाह सब लोग चले गए हैं, बहुत से लोग आए थे, थोड़े बहुत लोगों को तो मैंने दिखा दिया और माशाल्लाह सब चले गए ऊपर जेल से। नीचे सामने वाला घर लिए थे, उधर पे लेडीज़ वगैरह और नीचे सब लेडीज़ खा रहे थे। और ये देखिए हमारे भाई, क्या बोलते तुम्हारा नाम क्या है यार, भूल गया ना? अयान भाई माशाल्लाह, ये मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं। और जब नदीम भाई की शादी थी ना तब मुझे मिले थे, ये इधर ही एक नंबर पर रहते हैं, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था, जब शादी में मुलाकात हुई तब मालूम पड़ा कि भाई एक नंबर में रहते हैं और मेरी सब वीडियो देखते हैं। अभी तुम लोग कौन सी वीडियो देखे आयान भाई? मैंने तो अभी देखा था, हम थोड़ा बाहर गए थे अपने दादा को, अपने अब्बा को छोड़ने। तीन माशाल्लाह, क्या बोले, नाइस होम, नाइस घर कितना मस्त, नाइस होम वाली वीडियो देखे माशाल्लाह। मेरी डेली ब्लॉग देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वैसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है? चैनल ऐसे ही चलता रहे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सबको टाटा कर दो, टाटा, अल्लाह हाफिज। चलो मिलते हैं, हाथ मिला लो, हाथ मिला लो, चलो। अस्सलाम वालेकुम, अरहान निकल रहा था, देखो कैसे बुला रही है। मैं जोगेश्वरी, इंशाल्लाह आएंगे बहुत जल्द, आएंगे आएंगे, बताएंगे नहीं लेकिन आएंगे। कल तो सलाम पाके वहाँ, नहीं तुम्हारा घर नहीं बोले आते हैं, ठीक है? अरे नहीं भूल रहा हूँ, मैं आऊँगा ना, दिखानी उस साइड आना नहीं हो रहा है। चलो आता हूँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा टाटा कर दो सबको, हाँ ओके ओके, सबको पा दे रही, सबको पा दे, सबको टाटा कर दो, टाटा कर दो सबको, सबको बोला अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे, हाँ चलो अस्सलाम वालेकुम, मिलते करें इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत अच्छी नियाज रखे थे और हम लोग को दावत दिए थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। और क्या बोलते हैं, अपना कल दूसरी जगह भी जाने का है आप लोगों को, तो कल हम लोग कहाँ जाएंगे वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। सोलेहा तो एकदम गुम हो गए थे, रिक्शा यहाँ कहाँ मिलेगी, देखो सब जगह बाइक बाइक नहीं मिलेगी। मैं रहता हूँ यहाँ पर, तुम रहते हो, मेरे को मालूम है कि तुमको मालूम है, हाँ। तो रिक्शा इतनी रात में, रात की 11 बज रहे, सोलेहा को इतने नज़दीक जाने के लिए रिक्शा चाहिए, देखो। तो खैर कोई बात नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अपने प्यार से सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहे।